हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली कौल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वेलकम, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच इमरामा फैमिली का पार्ट बनने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं एक लव रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of July to 10th of July। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। ओके, एरीज टैरो डेक से हमारे पास आपके लिए है 2 of Swords, एयर साइन जेमिना लिब्रा एक्वेरियस, 3 of Wands, आप ही की एनर्जी है फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, 4 of Swords अगेन जेमिना लिब्रा एक्वेरियस। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई जेमिना लिब्रा एक्वेरियस काफ़ी सिग्निफिकेंट इंसान हो, हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो या आने वाला हो। बट नेक्स्ट 10 डेज में ना आप थोड़े से कन्फ्यूज लग रहे हो मुझे एरीज। कोई हो सकता है कोई ऑप्शंस हैं किसी इंसान को लेकर, कोई दो इंसान हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या फिर कोई एक इंसान हो सकता है बट उसको लेके कन्फ्यूजन हो कि उसको आप वापस लाइफ में लो या नहीं लो, या उसके पास जाओ या नहीं जाओ। तो यहाँ पे ना मुझे कॉन्टेम्पलेशन लग रहा है क्योंकि देखिए हमारे पास 4 of Swords भी है। तो 4 of Swords ऐसी एनर्जी है कि आप एक ही जगह बैठ के आप रेस्ट कर रहे हो एक ही जगह, और आप सोचे चले जा रहे हो कि आपको करना क्या है। आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि क्या डिसीजन लूँ क्या नहीं लूँ, लास्ट टाइम जो लिया था वो ठीक था क्या, नेक्स्ट टाइम जो लूँगी वो भी पुराने जैसा ना हो। तो ओवर थिंक तो नहीं बट कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो आपकी करना क्या है मुझे। 2 of Swords आपका पूरा आप बस सोचे चले जा रहे हो, ठीक है। 3 of Wands हमको बताता है कि किसी तरीके की ना आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, किसी चीज़ में आप ग्रो कर रहे हो, या तो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज हो सकती है, जिसमें आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड हो कि अब बेबी प्लान करें या नहीं करें। तो वो करें या नहीं करें में ही कॉन्टेम्पलेशन और 2 of Swords वाली वो पूरी एनर्जी है। तो एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, बट उस ग्रोथ और एक्सपेंशन को लेकर ना सोच बहुत रहे हो आप। अगर आपकी ऑलरेडी शादी नहीं हुई है और अगर लेट से आप लिव इन में रह रहे हो तो आप ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि इस इंसान के संग मैं शादी करूं या नहीं करूं, इसके साथ मैं आगे अपनी लाइफ और स्पेंड कर सकता हूं कर सकती हूं या नहीं। तो वैसी वाली चीज़ आ रही है, आप एक्सपेंशन और ग्रोथ को लेकर काफ़ी सोच रहे हो। एक और इंट्यूशन मुझे अभी अभी आई कि ट्रैवल भी लिखा है आपका, ठीक है। 1st 10 डेज में ट्रैवल भी हो सकता है आपका। हो सकता है कि आपको अपना बेस जो है बेस लोकेशन शिफ्ट करना पड़ रहा है इस इंसान के साथ जो आपका पार्टनर है, जो आपका हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड वाइफ जैसे भी, आपको अपने पार्टनर के साथ अपना बेस लोकेशन शिफ्ट करना पड़ रहा है, जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि अगर आप उनके साथ लोकेशन शिफ्ट नहीं करोगे, ट्रैवल वाला एक ओवरसी वाला शिफ्टिंग दिख रहा है यहाँ पे, अगर वो शिफ्ट नहीं करोगे तो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा रिलेशनशिप, अगर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें बाकी पीछे छूट जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे वैसी वाली वाइब दिख रही है, कोई बहुत ही ज़्यादा टेंशन या बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना डेविल एनर्जी या बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन, वैसा कुछ बुरा नहीं है। बट आपका नेक्स्ट 10 डेज ना थोड़े सोचने में जाएंगे कि इस डिसीजन को लेकर मैं आखिर करूँ क्या। अब देखते हैं लव एंड कनेक्शन डेक से हमारे पास क्या है, यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए फॉर द 1st 10 डेज ऑफ जुलाई। क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज फॉर द 1st 10 डेज ऑफ जुलाई। स्टार्ट वेयर यू आर। देखिए एरीज, आप ना सोच बहुत रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज में। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप सोचो थोड़ा कम। अगर आपको बात करनी है या डिसाइड करना है या कुछ भी करना है, जहाँ पे भी आप हो अभी, आप एक स्टेप तो लो आगे, स्टार्ट तो करो, अपने पार्टनर से बात करना स्टार्ट करो। हो सकता है आपका पार्टनर समझे, हो सकता है कोई और सोल्यूशन निकल आए, बट ये जो भी ऑप्शंस भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है कोई जॉब ऑप्शन हो आपके पास और आपको नहीं समझ आ रहा हो कि आप बाहर मूव आउट करो या नहीं करो क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर हैं तो उनको छोड़ के आप कहीं जाओ, वैसी वाली चीज़ भी हो सकती है। बट यूनिवर्स बोल रहे हैं कि स्टार्ट तो करो, आप तो सोचे ही चले जा रहे हो, या तो हाँ करो या ना करो या डिस्कशन करो, सोचने से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। टाइम टू मेक अ डेमॉन्स्ट्रेशन। देखिए अगर आप दूसरे की परवाह करते हैं,
दूसरे से मतलब है दो इंसान हो सकते हैं, दो चीजें जो दो ऑप्शन मैंने बताए वो दो इंसान हो सकते हैं, या फिर वो दो ऑप्शन हो सकता है, एक आपका पार्टनर और एक आपका करियर जॉब, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट 10 डेज में ना थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा, बोलना और सोचना कम, एक्शन ज़्यादा लेना पड़ेगा। स्टार्ट वे यू आर, सेम चीज़ है, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने पार्टनर को समझाने की भी कोशिश करते हो कि देखो लॉन्ग डिस्टेंस चल जाएगा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं ना, एवरीथिंग, बट उसके लिए भी बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है, आपको उनको बताना पड़ेगा, एक्शंस में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट 10 डेज में ना आपको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ेंगी चीज़ें, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हो सकता है ये सारी कॉन्वर्सेशन करने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो कि आपकी ग्रोथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ, और आपके ये पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस प्रोफेशनल ग्रोथ में, तो वो भी हो सकता है। There isn't a soul on the planet who doesn't crave your approval. अब एरीज देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप ना आप या आपके आसपास के जो इंसान हैं, आने वाले हैं या ऑलरेडी जो आपकी लाइफ में हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ये आपको ना बहुत इन्वॉल्व रखते हैं, ठीक है, हर चीज़ में, क्या हो रहा है, क्या पहना है, दिन कैसा गया, ऑफिस में पॉलिटिक्स क्या हुई, फ्रेंड्स ने क्या बोला, आपसे हर चीज़ में सलाह मशवरा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इनके संग आपको दिक्कत होगी, आपकी तरफ से हो सकता है दिक्कत हो, बट इनकी तरफ से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये आपको अपनी पूरी दिनचर्या होती है ना कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए नहीं वो आप पे शक करते हैं या आप उन पे शक करते हो, नहीं, एक दो लोग एक दूसरे को इन्वॉल्व रख रहे हैं जो प्यार करते हैं, तो यहाँ पे इनकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही शायद लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर पाओगे आगे जाके, और इसी वजह से आप इतना सोच रहे हो। देखते हैं चार्म्स में से हमारे पास क्या है, यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या मैसेजेस हैं चार्म्स में से। देखिए हमारे पास है लेटर एफ, लेटर यू, लेटर वाई। अब किसी का नाम हो सकता है या सरनेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, पूरे नाम का इनिशियल्स हो सकता है, एफ यू वाई, कोई कंट्री, सिटी, ब्लॉक, स्ट्रीट, कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास डॉग है, तो देखिए लॉयल्टी की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एरीज, ये इंसान बहुत लॉयल होगा आपके लिए, आपकी तरफ, तो वो अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके लॉयल्टी की प्रॉब्लम होगी तो वो बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास है एक फिश का स्केलेटन, तो हो सकता है आप लोगों को सी फूड बहुत पसंद है, आपको या आपके पार्टनर को सी फूड बहुत पसंद हो, फिश बहुत पसंद हो, या फिर हो सकता है वो बंगाली हो या वैसा कोई कल्चर हो उनका जहाँ पे फिश खाते हो। हमारे पास है एक पंछी जिसने अपनी चोंच में क्लोवर लीफ पकड़ा हुआ है, तो दो चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे, एक तो फ्रीडम, हो सकता है एरीज आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता हो इस रिलेशनशिप में, और आप इस रिलेशनशिप में या इस सिटी में या जैसा भी जो भी है, बट आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है और आपको निकलना है बाहर आप, और यहाँ पे मुझे ये वाइब आ रही है कि आप निकल रहे हो बाहर, आप उड़ान भर रहे हो अपनी, आप रोक नहीं रहे हो अपने आप को, ठीक है। क्लोवर लीफ ये बताता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फॉर्च्यून आने वाला है आपके पास नेक्स्ट 10 डेज में या थोड़े उसके बाद, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, क्योंकि आपकी अभी जो एनर्जी है ना वो पूरी सोचने वाली है, तो हो क्या रहा है अभी आप सोच रहे हो बट कर कुछ नहीं रहे हो, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सोच सोच के आप बहुत ही इम्पेशेंट मत होना, बट फॉर्च्यून तो डेफिनेटली आपके पास आने वाला है। अब वो आपको मुझे बताना है कि आया या नहीं आया, नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग रेजोनेट करी या नहीं करी, बट यूनिवर्स की तरफ से मेरे पास यही मैसेजेस थे एरीज। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का, मिलके फैमिली बढ़ाते हैं। थैंक यू, बाय।